हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 डेली यूजेज वर्ड मीनिंग देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है FUMBLE, फम्बल। फम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है टटोलना। अब हमारा अगला सवाल है FORK, फोर्क। फोर्क का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है काटा। फोर्क का मतलब क्या होता है? काटा। हमारा तीसरा है SAME, सेम। सेम का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अभी 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है वही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है GOVERN, गवर्न। गवर्न मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है शासन करना। गवर्न मतलब शासन करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है उन्नति करना। अब हमारा अगला सवाल है CHURCH, चर्च। चर्च का मतलब क्या होता है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है गिरजाघर। चर्च मतलब गिरजाघर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LEND, लैंड। लैंड का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है उधार देना। तो अब हमारा अगला सवाल है COST, कोस्ट। कोस्ट का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है दाम या फिर कीमत। हमारा अगला सवाल है CATCH, कैच। कैच का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पकड़ना। कैच मतलब पकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIND, बिंड। बिंड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है बांधना। बिंड मतलब बांधना। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।